ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉक कर दिया सर। लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट है क्या? चल इसका वेन डायग्राम बनाओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये दो टाइप कर ली थी ना, हम लोगों ने जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख रहे हम लोग, इसका वेन डायग्राम बनाओ हम लोग। एक टॉपिक था पर्टिकुलर पॉजिटिव, जिसमें स्टेटमेंट था सम ए इज बी, तो वो छूट गया था। बच्चों को आपने कहा था रिपीट करवा देंगे। ठीक है चलो वो देख लो। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पर्टिकुलर पॉजिटिव क्या होता है आपका, जहाँ पर चीज़ें 100% पॉजिटिव नहीं होती बट कुछ पॉजिटिव होता है। यानी कि आप अगर पॉजिटिव की रेंज की बात करोगे तो जो पॉजिटिव की रेंज रहती है वो 100% से कम रहती है और 0.01% से ज़्यादा रहती है। यानी कि अगर इसके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है मैथमेटिकल टर्म्स में तो वो आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव कहलाता है। क्लियर? अब स्टेटमेंट की बॉडी क्या होती है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट आता आपका होता है सम ए इज बी, ओके। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? राइट क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है इसके वेन डायग्राम की? नहीं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि जो वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पर आपका ए सब्जेक्ट और बी प्रेडिकेट है, कोई भी आपका अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर पॉजिटिव सेंस में स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो उसका कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। वहीं पर अगर कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नेगेटिव सेंस में जुड़ा हुआ है तो उसका कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। तो यहाँ पर अगर सम ए इज बी दिया हुआ है तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो ए इज बी या नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी या सम बी इज नॉट ए, ये सारे के सारे कैसे होंगे आपके? जी सारे के सारे कैसे होंगे आपके ये यहाँ पर?
ठीक है, अब कुछ और स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। बताइए। फर्स्ट टू फॉल्स है, लास्ट की टू सही है। ठीक है, ऑल एज भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, सिर्फ ये ट्रू है आपका, ये फॉल्स है क्योंकि ये रीस्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही कंक्लूजन ट्रू हुआ है। यहाँ समझ आया सब लोगों को? आप लेट क्यों हो गए? इज इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में रिपीट किया था, लेकिन तब मैं हमारे एंड सेमेस्टर थी तो मैंने रिपीट कर दिया। अब आप 10 मिनट लेट हो, फिर से रिपीट कर दो। क्या मैं एक ही चीज को पढ़ाता हूँ लगातार? बताओ, थोड़ा कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। बोलिए। ठीक है, हम लोग पर्टिकुलर पॉजिटिव सेकंड टाइप का ये जो आपका स्टेटमेंट है इसे देख रहे थे। ठीक है, इसका ने इसका जो बॉडी या स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सम ए इज बी। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है पर्टिकुलर पॉजिटिव की वो 100% से तो कम होती है, क्योंकि हमने ऑल में देखा था, ऑल में क्या होता है आपका 100% चीजें पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर पॉजिटिव में क्या होगा, चीजें 100% से कम पॉजिटिव होंगी और 0.01% से ज्यादा पॉजिटिव होंगी, यानी कि इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पॉजिटिव लाई कर रहा होगा। ये वेन डायग्राम है इसका, सम ए इज बी का, जहां पर कुछ पार्ट ए का बी का कॉमन। ठीक है, अब जैसे कि मेरा लास्ट क्लास में आपको रूल बताया था कि अगर कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पॉजिटिव सेंस में स्टेटमेंट में कनेक्टेड है तो नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी फॉलो नहीं करेगा, वहीं पर अगर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस में कनेक्टेड है तो पॉजिटिव कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए ये चारों आपके यहाँ पर फॉल्स हो गए। नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी एंड सम बी इज नॉट ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फोर, ऑल ए इज बी। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल ए इज बी डेफिनेट नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। ऑल बी इज ए भी डेफिनेट नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। सम ए इज बी, सम बी इज ए। सम ए इज बी यहाँ पर आप देख सकते हो रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब बात आती है सम इज बे, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो यहाँ पर कुछ बी का पार्ट ए के साथ कॉमन है, तो ये आपका ट्रू है। समझ आया? ओके, चलो, इज इट क्लियर शिल्पा शर्मा? चलिए, ये वाला क्वेश्चन, इसका वेन डायग्राम बनाओ सब लोग।
ये वेन डायग्राम बनेगा या किसी का कोई और वेन डायग्राम बनाया इसका? यही वेन डायग्राम बनेगा या किसी और का कोई और वेन डायग्राम बनाया इसमें? चलो, अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको, कि जो वेरिएबल्स आपके कौन से, यहां पर आप मुझे, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्ट्रेंजर्स की डेफिनेशन बताई थी, तो मुझे ये बताओ यहां पर कौन से वेरिएबल्स स्ट्रेंजर्स हैं, कौन से वेरिएबल्स यहां पर स्ट्रेंजर्स हैं? ए एंड ई, करेक्ट? करेक्ट प्रीति, ए एंड ई, बी एंड ई, करेक्ट, बी एंड ई, कोई और? ए एंड ई और बी और ई सब लोग लिख रहे हैं, सी एंड ई, दैट्स वेरी गुड इकरा, वेरी गुड इकरा रिया स्मिति, करेक्ट। तो यहां पर आपका जो ए और ई है, और आपका जो बी एंड ई है, और आपका जो सी एंड ई है, ये आपके क्या है? ये आपके सारे क्या है? स्ट्रेंजर्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो वेरिएबल्स आपके स्ट्रेंजर्स हैं, इसकी डेफिनेशन भी मैंने समझाई थी, स्ट्रेंजर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कि अगर उन दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बारे में स्टेटमेंट में डायरेक्टली कुछ भी स्टेट नहीं किया जाता, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वेन डायग्राम बनाने पर उन दोनों वेरिएबल्स का कोई भी पार्ट ओवरलैप नहीं करता या ओवरलैप करते हुए नहीं दिखाई देता, तो वो दो वेरिएबल्स आपके स्ट्रेंजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर कंक्लूजन के अंदर मैंने आपसे स्ट्रेंजर्स पहले से ये पूछ लिया क्योंकि मुझे ज्यादा कंक्लूजन नहीं लिखने पड़े, अगर यहां पर कंक्लूजन के अंदर कहीं भी ए और ई के बारे में किसी भी टाइप का कंक्लूजन आता है, या बी और ई के बारे में भी किसी भी टाइप का कंक्लूजन आता है, या सी और ई के बारे में किसी भी टाइप का कंक्लूजन आता है, तो वो आपके स्ट्रेंजर्स कहलाते हैं। स्ट्रेंजर्स की यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, और स्ट्रेंजर की एक डेफिनेशन मैं आपको आज बता रहा हूं, सुनना। स्ट्रेंजर्स वो होते हैं कि जैसे बेसिकली यहाँ पर ए और ई स्ट्रेंजर्स हैं, और इनका जो रिजल्टेंट होता है फॉल्स होता है। अगर मुझे ए और ई के रिगार्डिंग कंक्लूजन किसी भी टाइप का दे दिया जाए, बेसिकली चार टाइप का होता है कंक्लूजन, जैसे कि स्टेटमेंट होता है चार टाइप का, उसी तरीके से कंक्लूजन भी चार टाइप के होते हैं बेसिक। अगर आपको किसी भी बेसिक टाइप का कंक्लूजन दे दिया जाए, ठीक है, किसी भी टाइप का दे दिया जाए स्ट्रेंजर, मतलब ए और ई के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का आपको कंक्लूजन दे दिया जाए, तो अगर आप उस कंक्लूजन को सेटिस्फाई करने के लिए जाते हो, सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जो बात कंक्लूजन में बोली जा रही है, अगर आप उसको स्टेट वेन डायग्राम में सेटिस्फाई करने जाते हो, तो उसको सेटिस्फाई आप कर दोगे, और उसके सेटिस्फेक्शन के होने की वजह से आपका कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। ये आपकी एक और डेफिनेशन है स्ट्रेंजर्स की। स्ट्रेंजर्स क्या होते हैं? कि अगर आप उस पर्टिकुलर दो वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करने के लिए जाते हो, तो आप उन्हें सेटिस्फाई कर पाओगे और आपका कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। जैसे कि ध्यान से सुनो, हम इनको सिर्फ फॉल्स भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं है, ये स्ट्रेंजर्स हैं। और अगर बनाने के लिए कहा जाए तो बना देंगे और कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, लेकिन जब बात आती है ट्रू कहने की किसी चीज को, तो वहां पर हम श्योरिटी और एविडेंस को देख रहे होते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। क्या समझ में आई ये वाली बात? क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। आप सुनो यहाँ पर कैसे, अगर यहाँ पर कंक्लूजन होता आपका, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, आप लोगों ने मुझे कुछ बताया कि सर ए और ई स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, आप सुनना मेरी बात को,
अगर मुझे यहां पर पहला कंक्लूजन दिया जाता नो ए इज ई, पहली बात हम सब समझ चुके कि ये फॉल्स है, ठीक है हटाओ उसे यहां से फॉल्स है। लेकिन अगर नो ए इज ई, अगर मुझे इसे सेटिस्फाई करना है तो सबसे पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा। नो ए इज ई को सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि अगर दो वेरिएबल्स नो से कनेक्टेड है, यानी कि हमें उसे दुश्मन बनाना है, एक दूसरे का एनिमी बनाना है, तो ये बताओ मुझे क्या मैं ए और ई को एनिमी रख सकता हूं। एनिमी रखने का मतलब ये है कि उन्हें मुझे दूर दूर रखना है, उनका कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या मैं कर सकता हूं उस चीज को? देखो अगर कोई दो लोग स्ट्रेंजर्स है ना तो उनको आप एज इट इज छोड़ दोगे, लेकिन अगर कोई दो लोग एनिमी है, एनिमी का मतलब नो से कनेक्टेड है, तो उसके बीच में ये वाला साइन आएगा। समझ आया? अभी तक उनके बीच में कोई साइन नहीं बना था क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन जैसे मुझे एनिमी बनाना के लिए बोला गया मैंने वो साइन बना दिया और मेरा एनिमी शो कर रहा है। अब मुझे बताओ अगर मैंने नो ए इज बी को बना दिया वेन डायग्राम में, तो क्या मेरा इन चारों में से कोई भी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुआ? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन का जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो? अब बताओ नहीं कर रहा है कॉन्ट्रडिक्ट, नहीं कर रहा ना। अब मुझे बताओ स्ट्रेंजर्स की दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई? ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको पता क्यों बताई है अभी? Yes, कि उसको अगर हम सेटिस्फाई करने जाएं तो वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, क्योंकि आगे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ेंगे। मैं आपको धीरे धीरे करके चीजें बताऊंगा, चीजें अपने आप स्लोली एंड ग्रेजुअली क्लियर होंगी। अभी मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम सब करके बता देंगे फटाफट से। ठीक है, फिलहाल के लिए हम स्ट्रेंजर्स को वही वाला पहला डेफिनेशन की तरह रखते हैं, है ना, और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आती है इसको थोड़ा देर में लेंगे जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो फॉर नाउ लेट्स लीव इट, बता दिया आपको मैंने अगर सभी। अब मुझे मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे जो स्ट्रेंजर्स है, अब हम उनकी बात करेंगे जिसके अंदर डाउट हो सकता है ट्रू है या नहीं है। चलो चलिए बताइए कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं, और अगर आपको अपने एंड से भी कोई कंक्लूजन ऐड करना है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या अनम्यूट करके बोल सकते हो, यू हैव बोथ द ऑप्शंस। सर ए और बी गलत है, सी और डी ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। रीजंस पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये ट्रू करने के लिए एविडेंस दिखाना पड़ेगा। चलो पहले वाले के बारे में बताओ, सिर्फ पहले वाले के बारे में सोचो, चारों के बारे में एक साथ मत सोचो, सिर्फ पहले वाले के बारे में सोचो, फर्स्ट वाले के बारे में। वेरी गुड, पहला वाला आपका ट्रू है, सम बी इज डी इज करेक्ट। किसी को डाउट पहले वाले में, किसी को डाउट कि ट्रू क्यों है? एनीवन?
ओके सेकंड के बारे में बताओ। ट्रू है ठीक है। सबके आंसर सही है, कोई बैठ के बस यहाँ पर ज्ञान नहीं ले, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड भी करे चीजों का तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी को डाउट? वो बताओ प्रीति। एविडेंस वाली बात वेन डायग्राम के थ्रू मीन्स क्लियर करते हैं ना। बिल्कुल ठीक। थर्ड सर मौनवी चैटर्जी, आपको ये फॉल्स लग रहा है, क्या बता सकती हो कैसे? तो वो जो लास्ट पॉइंट था सम डी इज ई, तो मुझे लगा कि सम ई इज डी तो बात एक ही हो गई, तो फिर कैसे बात सेम हो गई? रीस्टेटमेंट स्टेटमेंट कैसे हो गया? नहीं है रीस्टेटमेंट, ना। रीस्टेटमेंट की डेफिनेशन मैंने बोली थी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम अच्छा होना सर, चाहिए, सब्जेक्ट टाइप भी सेम होना प्रेडिकेट सेम चाहिए। होना चाहिए। ठीक है ओके सर। यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो चुका है। हाँ ओके सर। फोर्थ इज सम सी इज बी। वेरी गुड, ये भी ट्रू है। अब यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहां पर ए और बी के बारे में पहला स्टेटमेंट है, ए और सी के बारे में दूसरा है, सी और डी और डी और ई के बारे में तीसरा चौथा है। यहां पर चारों स्टेटमेंट्स हैं, वो कैसे नेचर के हैं? जो चारों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे नेचर के हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर के हैं, तो किसी भी तरह का नेगेटिव कंक्लूजन यहां पर आ सकता है? किसी भी वेरिएबल के बीच में, किसी भी वेरिएबल के बीच में क्या कोई नेगेटिव आ सकता है? नो, डायरेक्टली किसी भी नेगेटिव कंक्लूजन को आप फॉल्स करके आगे बढ़ सकते हो। ओके किसी को कोई कंक्लूजन अपने एंड से पूछना है, वेन डायग्राम आपके सामने बना है, स्टेटमेंट आपके सामने है, कोई भी आप ऐड करके पूछना चाहते हो कि सर इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? एनीथिंग, एनी कंक्लूजन? सर आई जस्ट हैव वन डाउट। सो इन द सेकंड यस स्टेटमेंट सम ए इज सी, सो सी इज नॉट फॉलिंग इनसाइड बी कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। यस ओके एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। ओके सर। Any sort of doubt till this point? कोई भी conclusion that you want to add from your side, you will discuss it. I'm giving you 2 minutes time, think over it. आपके सामने दोनों चीजें हैं, देखो इसे और थोड़ा सा analysis करो। प्लीज मेक श्योर, अगर आप क्लास को लाइव देखने वाले हो तो बी ऑन टाइम, है ना। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देखने वाले हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन आपको लाइव देखना है तो प्लीज टाइम पर आइए, आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए। ओके चले आगे, अगर कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो। सर बोलो प्रीति। व्हेन वी आर यूजिंग नो, सो उसका मतलब क्या होता है? अगर नो बी इज डी बोल दे तो आप उस चीज को कहां पे यूज कर रहे हो वो मैटर करता है।
मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट एक्ट लाइक अ गॉड, गॉड का स्टेटमेंट है और अगर नो यूज किया जा रहा है उसका मतलब क्या है कि वो एनिमी है, राइट। अगर वो नो कंक्लूजन में यूज किया जा रहा है तो वो चाह रहे हैं कि उन दोनों वेरिएबल्स को कंक्लूजन, उन दोनों वेरिएबल्स को एनिमी रखा जाए, तो वो फिर डिपेंड करेगा स्टेटमेंट और वेन डायग्राम के ऊपर। लेकिन अगर स्टेटमेंट में कहा जा रहा है नो तो वो करेक्ट है, 100% उनको एनिमी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कंक्लूजन में बोला जा रहा है तो वो चाह रहे हैं ऐसा हो, फिर आपको स्टेटमेंट और वेन डायग्राम चेक करना पड़ेगा। उसी के बारे में नेक्स्ट जो डिस्कशन हमारा होगा यूनिवर्सल नेगेटिव के ऊपर, ठीक है, चले आगे। चलिए यूनिवर्सल नेगेटिव को दो तरीके से बोल सकते हैं, 100% चीजें नेगेटिव है या 0% चीजें पॉजिटिव है। सेंस ये क्यों हुआ बोलने का, 100% चीजें नेगेटिव है या 0% चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। इसका जो बॉडी होगा स्टेटमेंट का वो कैसा होगा, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर प्रेडिकेट। नाउ इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, तो अभी जस्ट प्रीति ने जब मुझसे पूछा था सर व्हाट इज द मीनिंग अगर हम नो यूज करते हैं, तो मीनिंग अब यहां पर अगर स्टेटमेंट में नो बोला जा रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो क्लियरली आपको उस सब्जेक्ट को और उस प्रेडिकेट को एक दूसरे का एनिमी रखना है, और एनिमी रखने का मतलब यू हैव टू शो इट बाय अ लाइन एंड अ क्रॉस ओवर इट। समझ आया वेन डायग्राम, अब बात आती है कि यहां पर ए और बी को रखा गया है एनिमी, ठीक। यहां पे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यूज करा गया है ए और बी वो कैसे लिंक्ड है, नेगेटिव सेंस में लिंक्ड है, तो क्या यहां पर कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन वैलिड या ट्रू हो सकता है? No, नहीं, तो पॉजिटिव वालों को हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें लिखेंगे एंड देन वी विल राइट फॉल्स फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरीवन, तो उसको हमने पहले एलिमिनेट कर दिया रूल से। अब हम बात करते हैं यहां पर और कंक्लूजन, चलो खुद के एंड से एक बार ट्राई करो बताने का। जैसे जब हमने ऑल पढ़ा था तो आपने और हमने जब ऑल पढ़ा था तो मैंने क्या बताया था कि अगर सारी की सारी चीज एक पर्टिकुलर पार्ट है, पर्टिकुलर दूसरे पार्ट का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें छोटे छोटे जो मिनिमम पार्ट्स होंगे वो भी उस बड़े पार्ट का हिस्सा होंगे। सिमिलरली अगर यहां पर ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा ए अगर बी का एनिमी है, तो ऑब्वियसली बात है क्रॉस साइन लगा है बीच में, ए बी का एनिमी है, बी ए का एनिमी है, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया।
दूसरी चीज यहां पर सुनो, पहले अगर आप एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा एरिया ए का और ये पूरा का पूरा बी का एरिया एक दूसरे का एनिमी है अगर, तो अगर मैं एक एक छोटे से हिस्से की बात करूंगा तो वो कैसे रिलेटेड होगा बी से, बताओ जरा। किसी भी रैंडम छोटे पार्ट की बात करूं एक, तो वो बी से कैसे रिलेटेड होगा? तो फिर ये चीज गलत क्यों कह रहे हो? समझ आया? मोनमी चैटर्जी, समझ में आया आपको? अब जब नो ए इज बी है, हाँ ठीक है, और नो बी इज ए ट्रू है, तो क्या सम बी इज नॉट ए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? थर्ड वाला बताओ। समझ आए पहले तीनों? ओके, फोर्थ का क्या आंसर होगा? फॉल्स सर, रीस्टेटमेंट होता है। दिस इज योर रीस्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। और हमने कोई भी पॉजिटिव की बात नहीं करी, कभी वी ऑल नो दैट कि वो तो फॉल्स होंगे ही होंगे, राइट? ओके, क्लियर है थर्ड टाइप? अब इसको, थर्ड टाइप को, फर्स्ट टाइप को और सेकंड टाइप को, इसे मिलाकर क्वेश्चन करेंगे, है ना? क्लियर है ना सबको यहाँ तक? चलो, कॉपी कर लिया था ना वो आपने, नोट कर लिया था ना पीछे जो था? अब क्या होता है कि आप किसी भी दो वेरिएबल्स को स्ट्रेंजर्स बोल रहे थे, करेक्ट? तो आप दो चीजें देख रहे थे, एक तो स्टेटमेंट देख रहे थे और क्या वो कहीं डायरेक्टली ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जब नो आ जाएगा, यानी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आ जाएंगे, तो आपको एक तीसरा चेक और लगाना पड़ेगा, और वो तीसरा चेक कहलाता है इनडायरेक्ट वे में रिलेटेड तो नहीं है। यानी कि पहले आपने देखा स्टेटमेंट में रिलेटेड है क्या, नहीं। फिर आपने देखा क्या उनके बीच में कोई पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ठीक। तीसरी चीज अब आपको देखनी होगी, क्या वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि दो वेरिएबल्स कहीं तीसरे के थ्रू तो नहीं रिलेट कर रहे। समझ आया? सबसे पहला बनाओ उसका वेन डायग्राम आप लोग। सभी लोग इसका वेन डायग्राम बनाओ पहले। ठीक है, देखते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, आपको ये बताओ मुझे, आपको यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स स्ट्रेंजर्स लग रहे हैं? ये वेन डायग्राम बना है सबका, एक बार चेक कर लेते हैं, ये वेन डायग्राम बना है सब लोगों का। तो सबसे पहले मुझे बताओ ए और सी। बहुत अच्छा हिमांशु, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आप लोग जो कह रहे हो ना, जैसे कि ए और सी भेजा है, फिर ए और डी, ए और सी आ चुका है, ए और ई आया है, फिर बी और डी आया है, फिर बी और ई आया है, ए और डी हो चुका है, बी और ई हो चुका है, सी ई भी नहीं आया है, सी डी भी आया है। चलो इसके अलावा तो शायद कोई नहीं होगा, ए डी एन ई, देखते हैं, वही चीज लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं सी और ई की, सी और ई। अब यहां पर आप एक चीज पहले यहां पर हम ना कंक्लूजन लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, तभी आपको मैं समझा पाऊंगा, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना। मैंने आपको पहला चीज क्या बताई थी कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जजमेंट लगाते हो कि ये स्ट्रेंजर्स हैं या नहीं, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जाते हो उन दोनों वेरिएबल्स के बारे में देखते हो क्या स्टेटमेंट में डायरेक्टली कुछ स्टेटेड है। तो पहला चेक लगाते हैं सी और ई के बारे में, क्या डायरेक्टली कुछ भी स्टेटेड है स्टेटमेंट के अंदर, बताओ? नहीं है। जो पहला चेक लगाया उससे तो स्ट्रेंजर्स प्रूव हो रहे हैं। क्या सी और ई का कोई पार्ट ओवरलैप कर रहा है? नो सर। आप सुनना मेरी एक बात को ध्यान से, आपने फर्स्ट चेक लगाया, आपने पास कर लिया, स्ट्रेंजर है। आपने सेकंड चेक लगाया, पास कर लिया, स्ट्रेंजर है। अब यहां तक आपने जब चेक लगाया, अभी तक बेसिकली हमने चार टाइप के कंक्लूजन देखे थे, एक तो आपका ऑल था, एक तो आपका सम था, और एक आपका नो था। अगर ये दो पहले चेक लगाने के बाद अभी तक आपका वो दोनों वेरिएबल स्ट्रेंजर्स हैं, तो याद रखना उनके बीच में ऑल, सम या नो, इस टाइप के कोई भी कंक्लूजन अगर आ रहे होंगे ना, तो वो आपके स्ट्रेंजर्स ही होंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स हो गया स्टेटमेंट, तो यहाँ पर तीसरा चेक लगाना है हमें। और वो तीसरा चेक क्या बताया था मैंने आपको, क्या वो इनडायरेक्ट वे में रिलेटेड है तीसरे के थ्रू? और अगर यहां पर हम स्ट्रेंजर प्रूफ कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां पर स्ट्रेंजर प्रूफ नहीं कर पाए तो सिर्फ सम नॉट टाइप का कंक्लूजन ऐसा होगा जो यहां पर स्ट्रेंजर नहीं होगा, बाकी ये ऊपर के जो तीन है ना, ऑल, सम और नो, वो पहले दो चेक के बाद ही स्ट्रेंजर्स प्रूव हो जाएंगे, लेकिन सम नॉट के लिए आपको तीसरा चेक लगाना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या ये वाली बात समझ में आई? नहीं आई, सुनो फिर से मैंने क्या बोला, आपके यहां पर देखो बेसिक चार टाइप के स्टेटमेंट है, इनको अभी भूल जाओ, ये आपके सामने लेके ना, इन्हें भूल जाओ अभी, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ये ऊपर चार बेसिक से बने हुए हैं, ये चार टाइप के बेसिक स्टेटमेंट है और आपके कंक्लूजन भी इसी चार टाइप से रिपीट होते हैं, ठीक? मैंने क्या बोला, अगर आपका कोई सब्जेक्ट और वेरिएबल, मेरा कहने का मतलब है कि कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर आपका स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट में रिलेट नहीं कर रहा, उनके बीच में कोई अगर ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये तो पहले चेक से उन दोनों को हम स्ट्रेंजर्स बोल देंगे, लेकिन अभी 100% स्ट्रेंजर ये टाइप वाले होंगे, जैसे कि अगर मैं यहां लिखता ऑल सी इज ई, ऑल ई इज सी, नो सी इज ई, या नो ई इज सी, या मैं बोलता सम सी इज ई, या मैं बोलता सम ई इज सी, ये दो पहले चेक लगाने के बाद, यानी कि
पहला और दूसरा, ये ऑल, नो और सम, अगर ये तीन टाइप इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में यूज करे जाते तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते, यानी कि सारे के सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? इतना तो आपको समझ में आ चुका था, पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तीसरी चीज मैंने क्या बताई है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन साथ में दिए जाते हैं, यानी कि मिक्स दिया जाता है, तो हमें एक तीसरा चेक लगाना पड़ता है, और उस तीसरे चेक से गुजरना पड़ता है सिर्फ इसी वाले टाइप को, सम नोड। समझ आई बात या नहीं आई? अभी समझ में आई या नहीं आई ये बात? अब सुनो, तीसरा चेक कैसे लगेगा? अगर आपको ये जो ऊपर लिखे हुए हैं सम सी इज नॉट ई और सम ई इज नॉट सी, अगर इन्हें ट्रू करना है तो ऑब्वियसली आपके पास एविडेंस होना चाहिए, राइट? और तीसरा चेक लगाने के लिए जब भी जाओ तो हमेशा, क्योंकि इनडायरेक्ट सेंस में चेक करना है, तो हमेशा अपने जो चेक करने का फ्लो होगा ना, आपका जो चेक करने का फ्लो होगा वो हमेशा सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाएगा। अब देखो यहां पर सम सी इज नॉट ई, यानी कि अगर मैं इस बात को ट्रू बोलता हूं तो मुझे वो एविडेंसेस शो करने पड़ेंगे। कौन से एविडेंसेस? कि सी के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो ई के साथ एनिमी होगा। समझ में आई बात? अगर मुझे सम सी इज नॉट ई को ट्रू बोलना है तो सी के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होगा जो ई का एनिमी होगा। अब देखो यहां पर अगर मैं सी के अंदर जाऊं तो क्या कोई पार्ट ऐसा है जो ई से रिलेट कर सकता हूं मैं इनडायरेक्ट वे में? सी के अंदर क्या कोई ऐसा पार्ट है? इस सी के अंदर क्या कोई ऐसा पार्ट है? अभी अनमोल थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैंने क्या बोला, जो चेक करने का फ्लो होगा ना वो सी से ई की तरफ जाएगा। यानी कि अगर आपको सम सी इज नॉट ई अगर इसको ट्रू बोलना है तो आपको सी के अंदर, यानी इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे एविडेंसेस ढूंढने होंगे जो ई के साथ एनिमी हो पाए। क्या है कोई सी के अंदर ऐसा पार्ट? अनमोल, क्या सी के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो ई का एनिमी हो रहा है, गारंटी ले रहा है उस चीज की, एविडेंस शो कर रहा है? नहीं कर रहा। अब यहां पर आ जाओ, सम ई इज नॉट सी, यानी कि ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि ये शो नहीं कर पाया। अब बात आती है सम ई इज नॉट सी, यानी कि अगर मुझे इसे ट्रू करना है तो मुझे अब ई के अंदर कुछ ऐसे एविडेंसेस ढूंढने पड़ेंगे जो सी का एनिमी हो पाए। थोड़ा सा ध्यान दो और देखो, एग्जैक्टली अब सुनो यहां पर, मुझे ई के अंदर एविडेंस चाहिए थे जो सी के साथ एनिमी हो पाए। मैं ई के अंदर गया, मैंने ये देखा कि ई का कुछ पार्ट डी के साथ कॉमन है, तो जो ई का पार्ट डी के साथ कॉमन है यानी कि वो इक्वली ई को भी बिलोंग करता है और इक्वली डी को बिलोंग करता है। जो डी है वो सी का एनिमी है, यानी कि ई का जो पार्ट डी के साथ कॉमन है वो भी तो एनिमी होगा सी का, बिकॉज दैट पार्ट इक्वली बिलोंग्स टू डी एंड इक्वली बिलोंग्स टू ई। समझ में आया या नहीं आया? और इस कॉमन पार्ट की वजह से ये वाला जो कंक्लूजन है ये ट्रू हो जाएगा। इस चीज को देखो, समझो और बताओ।
तीसरे चेक के लिए सिर्फ सम नॉट टाइप के साथ जाना पड़ेगा, बाकी पहले दो चेक में आप ऑल सम और नो को एलिमिनेट कर सकते हो। सब लोग यहां पर देख रहे हो, देखो और बताओ मुझे एनालाइज करने के बाद। आपके पास टाइम है, अगर आपको डाउट है तो पूछो, अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन की तो कमी नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मुझे बताओ अभी क्लियर है या नहीं क्लियर है। सेकंड कैसे चेक कर रहे हैं, प्लीज क्लियर है। सेकंड आपको दिखाया मैंने, मैंने क्या बोला है कि हमेशा थर्ड चेक के लिए या किसी भी चेक के लिए आपका जो फ्लो होता है वो सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाता है। यहां पर ऊपर देखो डी और ई का पार्ट कुछ कॉमन है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था सम डी इज ई। यहाँ पर डी और सी आपके एनिमी है, ये दुश्मन है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि सम इज नॉट सी, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सम इज नॉट सी को करेक्ट करता हूं तो मेरा लॉजिक क्या, मेरा मीनिंग ये हुआ कि ई के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो सी के साथ 100% विद एविडेंस एनिमी होगा। तो अगर मैं ई के अंदर गया तो मैंने यहां पर देखा कि कुछ पार्ट ऐसा है ई के पास जो इक्वली डी को बिलोंग करता है और इक्वली ई को बिलोंग करता है। तो ई का वो पार्ट जो डी के साथ शेयर हो रहा है, वो पार्ट ई का सी का हमेशा एनिमी होगा क्योंकि डी और सी कंप्लीट एनिमी है। समझ आया प्रीति? चेक करने का फ्लो हमेशा सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ जाता है, यानी कि अगर कोई एविडेंस फाइंड करना है तो वो सब्जेक्ट के अंदर करना। इज इट क्लियर और नॉट प्रीति? ठीक, सी और ई का समझ में आ गया, ए और सी का भी देखते हैं, ठीक है। हम देखेंगे ए और सी से रिलेट करके, ठीक है। देखो ए और सी से आप रिलेट करोगे ना तो ए और सी बेसिकली वैसे क्या है, स्ट्रेंजर्स है, राइट। सर ऑल ई इज नॉट सी हो तो, ऑल ई इज नॉट सी शिल्पा शर्मा आप बोल रहे हो तो पहले इसका मीनिंग मुझे बताओ क्या होगा। ऑल ई इज नॉट सी का मतलब, आपका कहने का मतलब ये है कि ऑल ई इज नॉट सी का मतलब क्या हुआ हिंदी में, कि सभी के सभी ई सी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं हो गया नो ई इज सी, बताओ। आप जो आपने चैट बॉक्स में स्टेटमेंट लिखा है ऑल ई इज नॉट सी, क्या उसका मतलब ये नहीं हुआ नो ई इज सी, ठीक। अब अगर आप इस चीज को ट्रू बोलते हो, पहले आप ये समझो कि अगर आप ट्रू बोलते हो तो आपका मतलब क्या है। आपका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ई सी का एनिमी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो डी के साथ लाई नहीं कर रहा कॉमन में, वो और सी स्ट्रेंजर्स हैं क्योंकि ई का सिर्फ वही पार्ट सी से रिलेटेड है जो डी के साथ कॉमन है, बाकी का नहीं है। और यहां पर नो ई सी को ट्रू बोलने का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा ई सी का एनिमी है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। समझ आया शिल्पा शर्मा? समझ आया या नहीं आया? ठीक। अब आप यहाँ पर अगर ए और सी के बारे में बात करोगे
ए और सी की बात अभी फिलहाल के लिए रोकते हैं, क्योंकि मुझे आपको सेम चीज बतानी है जो एक बार चेक करना है कि आपको आया या नहीं आया। तो हम लोग चेक करते हैं बी और डी को लेकर। अब पहले मुझे आप ये बताओ, आपको पता है, आपने मुझे बताया कि सर ये सारे स्ट्रेंजर्स हैं, तो अगर बी और डी स्ट्रेंजर्स हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ ना तो इनका कोई भी मतलब आपने बेसिकली स्ट्रेंजर कैसे बोला, आपने दो चेक लगाए होंगे, उनके बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला गया स्टेटमेंट में, और बी और डी का कोई पार्ट ओवरलैप नहीं करता, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, इसमें अगर ऑल टाइप का आएगा या सम टाइप का आएगा या नो टाइप का आएगा तो वो कैसे होंगे बताओ? ऑल टाइप का आएगा, सम टाइप का आएगा या नो टाइप का होगा तो वो कैसे होंगे बताओ? फॉल्स होंगे। लेकिन अगर यहां पर अब ये तीनों को तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन आपको पता है कि सम नॉट के लिए मुझे तीसरा चेक लगाना पड़ता है। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं सम बी इज नॉट डी या सम डी इज नॉट बी, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? बोथ ट्रू। ठीक, मुझे एक बात बता दो अनमोल, अनम्यूट करो अगर अपने आप को, अगर बोथ ट्रू है तो मुझे ये बताओ ये कैसे ट्रू हुआ, इसका एविडेंस दिखाओ मुझे अनमोल, इसका एविडेंस दिखाओ मुझे। बताइए सेकंड वाले का एविडेंस दिखाओ, सम डी इज नॉट बी, अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप डी के अंदर कुछ पार्ट देख रहे हो जो ऐसा है जो बी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑब्वियसली बात है डी का यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो पार्ट जो ई के साथ कॉमन है और एक डी अकेला है, ई का बी के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं है ना डी के रिमेनिंग पार्ट का है, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक, अब बात आती है सेकेंड वाले की, सम बी इज नॉट डी, तो बी के अंदर आप वो पार्ट देखने की कोशिश कर रहे हो जो डी से रिलेट नहीं कर सकता, यानी कि अगर मैं इसे ट्रू बोलता हूं तो आई एम लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट इन बी विच इज एनिमी ऑफ डी। तो बी के यहां पर देखो एक ये पार्ट ऐसा है जो सी के साथ लिंक कर रहा है, यानी कि ये पार्ट जो बी और सी का कॉमन है ये इक्वली बिलोंग करता है बी को और इक्वली बिलोंग करता है सी को, और आपको पता है कि सी और डी आपके क्या है, एनिमी है, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन बी का जो डी के साथ सी के साथ कॉमन है ये भी डी का एनिमी होगा, इसके लिए ये ऊपर वाला आपका ट्रू। समझ आया? अरे भाई साफ साफ वहां पे दिख रहा है यार, यहाँ पर ये क्लियरली आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पर इसको बोलो ना, मैंने क्या बोला है आपको सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ फ्लो को चेक करना पड़ता है, बी ये बन रहा है ये बी का सर्कल जा रहा है, बी का सर्कल कहाँ होते हुए जा रहा है सी के पास जा रहा है, ये बी और सी का पार्ट कॉमन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बी और सी का पार्ट कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो जो पार्ट बी का सी के साथ कॉमन है क्या कभी डी हो सकता है वो? जो बी का पार्ट सी के साथ कॉमन है क्या वो कभी डी हो सकता है? इसके लिए ये ट्रू है। समझ आया अभी? कितने लोगों को 100% क्लियर है चीजें यहां तक, कितने लोगों को नहीं है? अब ये जो बाकी के पांच बचे हैं ना, ये जो बाकी के पांच बचे हैं, आप क्या करो, ये जो स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ये जो बाकी के पांच बचे हैं ए सी ए डी ए बी सी डी, इसको मुझे आप नेक्स्ट क्लास में बताना, और नेक्स्ट क्लास में इसको चेक को कंटिन्यू रखेंगे आप लोग। ठीक है, ओके, और अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो तो आज के सेशन को दोबारा फिर से देख लेना एक बार,
चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उसे क्लियर करेंगे। ठीक है प्रीति सर। सर सेकंड वाले को हम लोग ऐसे चेक किए ना, डी से बी में रिलेशन मींस हमेशा ये वाले में डाउट होता है सेकंड पे। आपको अगर इस पार्ट को सम डी इज नॉट बी अगर इसे करेक्ट बोलना है तो आप ये देखो ना, आप डी को बी से किस तरीके से रिलेट कर सकते हो, कैसे करोगे। ऑब्वियसली बात है कि ये जो पार्ट है ये रिलेट हो रहा है डी का बी के साथ। यस सर। कैसे हो रहा है? डी का बी से नो सर, रिलेट तो एनिमी है ना इसके साथ में। कैसे एनिमी है? कहां से एनिमी है? वो सी का एनिमी है, वो डी का एनिमी, बी का एनिमी नहीं है, वो इसका एनिमी है। इस चीज का एनिमी है, बी का एनिमी कहां से हो गया? वो क्या डी का ये पार्ट बी का एनिमी है? बोलो। प्रीति बोलो, समझ में आया नहीं आया? नो सर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसको देख नहीं पा रहे इस चीज को, आप डायग्राम ये बना हुआ है यहाँ पर, ये डी का ये सर्कल बी से किसी तरीके से रिलेट कर रहा है, ये सर्कल ऊपर का डी का बी से कोई तरीके से रिलेट कर रहा है यहाँ पे? मैं डी के एंड से बात कर रहा हूँ, क्या बी से रिलेट कर रहा है किसी तरीके से? नो सर। तो फिर कैसे आप इसको बोल सकते हो? अब यहाँ पर डी का दूसरा, यहाँ पर डी का एक पार्ट है जो ई के साथ कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो क्या ई और बी किसी तरीके से रिलेट कर रहा है? नो सर। तो फिर स्ट्रेंजर सी तो हो गए वो। यस सर, सम इज थ्रू। फिर अगर जब यहाँ से बी से चेक कर रहे हो डी की तरफ, तो बी का ये पार्ट रिलेट कर रहा है डी के साथ, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट रिलेट कर रहा है बी का? नो सर। लेकिन ये वाला पार्ट बी का डी के साथ रिलेट कर रहा है ना सी के थ्रू? यस सर, कॉमन। समझ आया? यस सर। ठीक है, एक बार सेशन को फिर से देखना, तब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि चीजें बिल्कुल पानी की तरह आपके सामने है, बस ये आप कौन किस चीज को, इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पा रहा है। ठीक है, इस सेशन को एक बार फिर से देखना, और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।